गाइज स्टार्टिंग में हर कोई को अपने चैनल्स पे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स की जरूरत होती है और चैनल ग्रो ही नहीं करता है। गाइज आपको हम 4 ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप इसको यूज करते हैं, आप अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं तो आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अब आपको करना क्या है, आपके चैनल जो भी आपका कैटेगरी है, जो आप मतलब की चीज पे वीडियो बनाते हो, जो टॉपिक आपका है, जो आपके चैनल का कैटेगरी है, उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। गाइज जैसे ही आप अपने यूट्यूब पे सर्च करते हो, मतलब कि आपसे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि अब ये नहीं कि जैसे कि अब मान लो टेक कैटेगरी है तो आप टेक्निकल गुरु जी को ही फॉलो करो और उनके टॉपिक्स पर बनाओगे तो भाई ये मतलब कि उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा तो क्या करना है कि उनके चैनल पे जाना है और उनके वीडियोस को देखना है। गाइज उसके बाद उनके वीडियोस के थ्रू मतलब देखने के बाद अब आपको करना क्या है कि उनके चैनल के ऊपर आप अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करो। हाँ अच्छाइया मतलब कि हाँ ये बंदा कब बनाया था चैनल, क्या क्या ये मेहनत किया, कैसे एडिटिंग करता है ये चैनल, कैसे एडिटिंग करता है, तो इससे क्या होगा कि आपके अपने चैनल पे व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके फेमस जो भी उसके फैन होंगे तो आपके चैनल पे विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद क्या करेंगे कि भाई देखेंगे क्योंकि भाई उसके चैनल के लिए आप बड़ाई किए होंगे तो उसके जो भी फैन फॉलोइंग होंगे तो आपके चैनल में विजिट करेंगे और विजिट करेंगे तो आपका वीडियोज अच्छा लगेगा, तो भाई आपका वीडियोज अच्छा लगेगा तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और सब्सक्राइब भाई जेन्युइन सी करेंगे तो भाई अगर देखेंगे तो उनका मतलब कि आपका चैनल पे जो भी वीडियोज है उससे आपका वॉच टाइम भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको फर्स्ट ट्रिक में बताया कि आप अपने मतलब कि जो भी चैनल पे आप वीडियोस बनाते हो उनके बारे में बना देना। उसके बाद गाइज अब आप वीडियोस बना लेंगे टॉपिक पे उनके चैनल के, उसके बाद गाइज अब आपको करना है, ये आपको सेकंड ट्रिक बताने वाला हूं। फर्स्ट ट्रिक तो आप बताए मतलब कि मैं बताया कि आप दूसरे यूट्यूबर के चैनल के ऊपर आप बना सकते हो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो तो उससे आपका भी क्या होगा कि इससे आपका वीडियो भी वायरल होगा और आपका मतलब कि घंटा जो मतलब कि जितना भी वीडियो देखेंगे ना बहुत ज्यादा ऑडियंस जो भी आएंगे तो बहुत ज्यादा देखेंगे, वीडियोस को आपको फुल कंप्लीट वॉच करके जाएंगे। तो यहां पे आपको सेकंड ट्रिक करना आपको सेकंड ट्रिक ये है कि आपको वीडियोस में जब आप वीडियो को एडिट करते हो, जी हां दोस्तों ये आपको ध्यान से और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना है, जब आप वीडियो को एडिट करते हो उस समय आपके अपने वीडियो के अंदर टेक्स्ट एनिमेशन, अब भाई यहाँ पे बोलते हो या समझ में नहीं आता टेक्स्ट एनिमेशन होता क्या है। गाइस जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, टेक्स्ट एनिमेशन वो चीज़ होता है जैसा कि आप मेरे वीडियो के फर्स्ट में देखे होंगे कुछ कुछ टेक्स्ट या बीच में भी देखे होंगे कुछ कुछ एनिमेशन टाइप का, जरूरी नहीं है कि जो मैं लगाया हूँ वही टेक्स्ट या एनिमेशन, आप कोई भी टेक्स्ट या एनिमेशन लगा सकते हैं। इससे अब क्या होगा भाई, यहाँ पे आप बोलोगे सवाल तो होगा कि इससे क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आपका इससे होगा क्या कि ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा जाएगा भाई कहूँ जाएगा, क्योंकि जो भी ऑडियंस आपके जो भी आपके सब्सक्राइबर या जो भी आपके वीडियोस को देखेंगे यहाँ पे अब क्या होगा कि वो जितना देर तक आपका वीडियोस रहेगा फुल वॉच करके जाएंगे, कंप्लीट वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट एनिमेशन रहेगा और आपका लगातार अगर वीडियोस ऐसे ही देखेगा कोई, भाई मैं ही खुद दूसरे का देखता हूं तो बोरिंग हो जाता हूं, उससे नींद आने लगता है या मन करेगा भाई इस वीडियोस में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, और टेक्स्ट एनिमेशन जैसे ही अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा कि बार बार टेक्स्ट एनिमेशन आता रहता है, उससे लोग बोरिंग भी नहीं होते हैं, बोर भी नहीं होते हैं और आपके वीडियोस को मतलब कि जैसे कुछ कुछ सेकंड पे आपका टेक्स्ट एनिमेशन ऐड रहेगा तो उससे क्या होगा कि लोग जो हैं आपके वीडियोस को कंप्लीट वॉच करके जाएंगे, क्योंकि भाई जब बोर ही नहीं होंगे और बोर नहीं होंगे तो भाई वीडियोस को वॉच करेंगे और उसके बारे में कंप्लीट पूरा डिटेल लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आप इस सेकंड स्टेप को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बहुत ही जल्द बहुत ही कम टाइम में आपका 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ ही में 4000 वॉच आवर्स बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। गाइस आप फर्स्ट और सेकंड ट्रिक यूज कर लेंगे, उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहां पे मैं अब बताने वाला हूं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक अब आपको यूज ये करना है कि आपको यहां पे क्लिक बेट थंबनेल, जी हां दोस्तों ये आपको ध्यान से ये आपका मेन पॉइंट होता है, क्लिक बेट थंबनेल बनाना है। इससे अब क्या होगा भाई, इससे अब होगा ये कि गाइस जैसा कि अभी नए यूट्यूबर करते क्या है, नए जो यूट्यूबर अभी यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाते हैं तो करते क्या है, जैसे ही थंबनेल में क्या करते हैं बहुत सारा मतलब खिचड़ी पका देते हैं, मैंने सारा चीज वर्ड जो यूट्यूब में बोलते हैं वो आपका थंबनेल में भी सारा भर देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करना है, ये स्टार्टिंग में नहीं गलती करना गाइज। अगर आप ये अपने से सोचो कि जब आप दूसरे का यूट्यूब का वीडियोस क्लिक करते हो यानी कि दूसरे का वीडियो प्ले करते हो उस समय आप क्या सोच के आखिर वीडियोस पे क्लिक करते हो भाई, उसका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है, मतलब उसके थंबनेल को जैसे ही देखते हो तो
अट्रैक्टिव हो जाते हो और उसके बाद आपको क्लिक करना ही करना पड़ता है। तो गाइज आपको वैसे ही क्लिकबेट थंबनेल और ऐसा आप बनाओ कि भाई सामने वाला बंदा है तो आपके वीडियोस को एकदम क्लिक करे और अट्रैक्टिव हो जाए, भाई वीडियो के पीछे पागल हो जाए और उसको क्लिक करें ही करे उस थंबनेल को। तो गाइज अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिकबेट थंबनेल बनाना है। भाई अब बोलोगे कि भाई क्लिकबेट थंबनेल बनाए कैसे, तो आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कैसे थंबनेल को बनाया जाता है। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, उस वाले वीडियोस को भी आप जाकर के देख सकते हो, उससे आप अपने क्लिकबेट थंबनेल बना सकते हो। तो गाइस इसके बाद आप जैसे ही क्लिकबेट थंबनेल स्टार्टिंग में बनाते हो, उसके बाद भाई कम से कम आपको कुछ समय तक आपको स्टार्टिंग में क्लिकबेट थंबनेल बनाना ही बनाना है और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। तो ये आपका रहा थर्ड ट्रिक। गाइस आप वीडियो बना लेंगे, उसके बाद आप क्लिकबेट भी थंबनेल क्लिक कर लेंगे, उसके बाद गाइस अब यहां पे आप फाइनली लास्ट स्टेज, अब आपको यहां पे क्या आता है, यहां पे आपको वीडियोस में एसईओ करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एसईओ से ही आपका मतलब वीडियो का रैंकिंग कराता है। अगर आप एसईओ नहीं करते हैं तो आपका वीडियो रैंक में नहीं जाएगा, और गाइस आपका वीडियोस रैंक में नहीं जाएगा तो आपका वीडियोस पे व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो भाई सब्सक्राइबर गेन नहीं होगा। तो गाइस आपको एसईओ करना है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके कि कैसे एसईओ किया जाता है और कैसे टैग रैंक करता है, ये सारा कुछ चाहिए, तो लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में। पहले इस वीडियो को देख करके उस वीडियो को देख लो, या आई बटन में आपको लिंक मिल गया है, आप जा करके फुल मतलब कि देख सकते हो कैसे एसईओ किया जाता है, उसमें पूरा डिटेल बताया हूं। अगर आपका एसईओ 110% मैं श्योर हूं कि आप सीख जाओगे, उसके बाद हर एक वीडियो आपका वायरल होगा और आप हर एक टैग को वायरल टैग निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे मैं अभी आपको शॉर्ट वे में बताने वाला हूं, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं हो, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिए गए पे जाकर के क्लिक करके देख लेना। तो गाइज यहां पे अब आपको करना क्या है एसईओ के लिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बताया वीडियोस के स्टार्टिंग में कि आपके किसी दूसरे आपके कैटेगरी के रिलेटेड वाले चैनल पे क्या करना है, आपको वीडियोस को तो गाइस जिनके चैनल के ऊपर आप वीडियोस बनाएंगे तो उनका नेम मेंशन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ मेंशन करना है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो को अपलोड करते समय आप देखते होंगे कि वहाँ पे आता है चैनल मेंशन, या डिस्क्रिप्शन में भी आता है चैनल मेंशन, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उनके चैनल का नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी मेंशन करना है उनके चैनल का नाम, उसके बाद कुछ हैशटैग जैसे कि ब्लू वाला आप देख रहे हो मेरे भी यहाँ पे टाइटल के जस्ट ऊपर है, तो वो भी हैशटैग भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैग्स में भी घुमा फिरा करके आपको उनके चैनल का नाम मेंशन करना है, यानी कि तीनों जगह पे उनके चैनल का नाम मेंशन करना है। और गाइस जैसे ही आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं और इसको जैसे ही आप फॉलो करोगे तो बहुत जल्द ही आपके वीडियो जो है सर्च में आएंगे, और सर्च में आएंगे तो यहाँ पे आपका व्यूज भी बढ़ेगा, और यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई अगर आपका व्यूज बढ़ेगा तो यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाए। गाइस अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने चारों स्टेप को आप देखा होगा, उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, भाई यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो गाइस ये वर्क ऐसे करता है, अगर जैसा कि आप वीडियोस बनाए, जैसा कि मैं बताया वीडियोस बनाने के बाद क्लिकबेट थंबनेल बनाए, और आप क्लिकबेट थंबनेल बनाए तो जैसा कि आप ही सोचो कि आप अपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हो तो स्क्रॉल करते समय क्या होता है कि किसी का वीडियो आ जाता है, या आप जो क्लिकबेट आप थंबनेल बनाए रहोगे तो आपका वीडियो उनके पास जाएगा, तो वहां पे ऐसा आपको क्लिकबेट बनाना है कि वहां पे आपका क्लिक करेगा ही करेगा बंदा, और क्लिक करेगा और उसके बाद आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके वीडियोस को पूरा देखेगा, जिससे क्या होगा कि आपका चैनल पे व्यूज भी आएगा, और व्यूज आएगा तो बहुत ही जल्द बहुत ही कम समय में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस अभी तक आप नहीं देखे हो इन दोनों वीडियो को यहां पे कि कैसे एसईओ को रैंक कराया जाता है, कैसे एसईओ किया जाता है, और कैसे यहां पे क्लिकबेट थंबनेल बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट में है देख सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट करो, जल्दी से जल्दी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो।